सुबह का टाइम है और अर्पित भी जल्दी उठ गया है, तो उसके पापा उसको लेके छत पे गया है घूमने के लिए। तो मैं इधर जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ घर का, और बेड को मैं ठीक कर रही हूँ। पहले मैं उठ के ही करती हूँ, पहले बेड को ठीक से कर देती हूँ। बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बेड को ठीक कर देती हूँ। उसके बाद जो भी कपड़ा था कुर्सी पर वो भी ठीक कर देती हूँ, मैं ठीक से रख देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर बेड बिखरा हुआ पड़ा रहे और मैं फ्रेश हो जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले बेड को ही ठीक कर देती हूँ, और जितने भी कपड़े थे चेयर पर वो मैं अच्छे से रख देती हूँ। और अर्पित आज जल्दी ही उठ गया है, बहुत ही जल्दी उठ गया है अर्पित। वैसे वो इतना जल्दी नहीं उठता है, और देखिए कितना टॉय सब कुछ फेंक देता है वो। मैं सब कुछ ठीक कर के रखती हूँ और फिर फेंक देता है। तो अर्पित जल्दी उठ गया है और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। उसके पापा लेकर गए तो मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ अपना। मैंने झाड़ू लगा लिया है, और वैसे अर्पित मैं सारा काम कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ उसके बाद ही उठता है। तो आज वो जल्दी उठ गया। अब पूरा घर में मेरा सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जब भी मैं सुबह उठती हूँ यही होता है मेरा। सारे घर को समेटते समेटते बहुत टाइम लग जाता है, तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और बारिश हो रही थी तो मैं घर पे ही एक रस्सी टांग दिया है कपड़े सुखाने के लिए। इस रूम में हम सोते नहीं हैं, बस अर्पित खेलता है। और कुछ दिन से बहुत ही बारिश हो रही है, तो इसीलिए मुझे रस्सी की ज़रूरत पड़ रही है। अब मैं पोछा लगा लूँगी। ऐसे मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ, मेरे घर के काम में, इसलिए मैं मेड रही नहीं रखा है। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। वैसे मैं मॉप से ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ। ये हाथ से लगाने से बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है घर, नहीं तो बहुत ही टाइम लग जाता है। 2 दिन से फिर से बारिश चालू हो गई है। अर्पित आएगा उस टाइम से, मैं पहले एक सारा काम करके मैं नहा लूँगी, क्योंकि अर्पित जब आ जाएगा तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। और फिर मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी रेडी करना है, उसके पापा ड्यूटी जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैं एक भी दिन आप लोगों को, मतलब किसी भी ब्लॉग में मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाया है, तो मैंने सोचा कि मैं जो सुबह जितना काम करती हूँ आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग आज बनाया है। और रात को ही मैं गैस को पोछ रखती हूँ, पूरा साफ़ कर देती हूँ किचन, फिर भी मैं सुबह एक बार पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि रात में कुछ छिपकली वगैरह रह जाता है इसीलिए। और इधर अर्पित भी आ गया है, तो मैं उसके बाल में ऑयल करती हूँ, ऑयल लगा लेती हूँ, और मैं उसको बहला फुसला के उसका चोटी बांध देती हूँ, क्योंकि वो मुझे जब भी मैं उसका बाल बनाने जाती हूँ तो ऐसा ही करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं बनना है, नहीं बनना है, ऐसा करता है। तो मैं उसको स्टोरी बोलती हूँ, ऐसा ही करती हूँ हमेशा। स्टोरी सुनना बहुत पसंद है बच्चे को, होता है ना, तो यही करती हूँ मैं। तो चुपचाप बैठा रहता है और गाड़ी लेकर खेल रहा है।
बहुत बदमाश शैतान मेरा। बाल बहुत ही लंबा हो गया है इसका, 5 साल तक रहेगा। आप लोगों से बात कर रहा है वो, देखिए पप्पी दे रहा है आप लोगों को। मैंने बोला किसी दे दो सबको, तो बहुत सारा प्यार आ गया आप लोगों को, तो देखिए कितना किसी दे रहा है। हाँ मैं बोल रही थी उधर मामा है, मीमी है, वो अपने मासी को मीमी बोलती है, बोलता है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि मामा है मीमी है, तो किसी दे दूं करके आप लोगों को किसी दे रहा है वो। जब भी चोटी बांधती हूँ बहुत मस्ती करने लग जाता है, सब कुछ फेंक देता है एक एक करके, रबर बैंड या कंघी कुछ भी फेंक देता है जो भी हाथ के सामने होता है। देखिए देखिए रबर बैंड फेंक रहा है फिर से, रोज का ये है, रोज करता है ऐसा ही। हंस रहा है, देखिए वो मुझे बोल रहा है कि इधर मैं फेंक दूं और आप लेकर आओ, मैं फेंक दूं आप लेकर आओ। तो मैंने उसका इस तरह से चोटी बांध देती हूँ तो चोटी जल्दी नहीं खुलता है। तो मैं उसको काजल का टीका लगा रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी सासू माँ दोनों बोलती है कि बच्चे को काजल का टीका लगाना ज़रूरी है, तो मैं लगाती हूँ। और मैं पाउडर जब भी निकालती हूँ यही करता है, देखिए मुझे भी टीका लगा देगा वो। मस्ती बहुत करता है पूरा दिन, देखिए मेरा फेस को क्या कर दिया, मुझे भी टीका लगा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मैं बहुत बिजी थी, मैं बात ही नहीं कर पाई आप लोगों से। फिर मैं इस शैतान को रेडी भी किया है और नहा भी चुकी हूँ, सब हो गया है मेरा काम। और ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया है, ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आज पोहा, तो पोहा खा लेते हैं हम दोनों और फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्पित को मैं जूस दे दी थी, वही जूस पी रहा है वो, और मैं किचन में काम कर रही तो थी। मैंने चावल और दाल फ्राई बना लिया है और इसका रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में दे दूंगी आप लोगों को। अगर मैं इस रेसिपी की सारी डिटेल्स इस ब्लॉग में देने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।